बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात लेट नाइट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तकरीबन 10:15-10:30 बजे। परवेज़ खटक साहब टीवी पे आते हैं, एक मिनट से भी कम की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। अगर आप सुन ले तो वो कहते हैं जी मैं तहरीक इंसाफ से इनकी सदारत से अलहदगी अख्तियार करता हूँ। सदारत छोड़ दी है परवेज़ खटक साहब ने और अगले लाए अमल का मैं अपने दोस्त अहबाब से मशवरा करके काम करता। तो परवेज़ खटक साहब तहरीक इंसाफ छोड़ गए हैं, इमरान खान साहब के तहरीक इंसाफ ने छोड़ी, के पी के की सदारत है उससे उन्होंने अपने आप को अलहदा कर दिया है, के पी के की सदारत को छोड़ दिया है। कल परवेज़ दाई साहब भी गिरफ्तार हो गए हैं लाहौर से, तो अब देखना है एंटी करप्शन ने उन्हें गिरफ्तार किया है। लेकिन मोनस लाइक है उन्होंने कहा कि हम खड़े हैं, मेरी वालदा ने मेरे वालद ने मुझे कहा था कि जो कुछ हो जाए आपने इमरान खान के खिलाफ खड़े रहते हैं। इमरान साहब चेयरमैन तहरीक इंसाफ का नाम मीडिया पे लेने पे पाबंदी है, उनकी तस्वीरें दिखाने पे भी पाबंदी लगा दी गई है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ कल उन्होंने मुगला से जो खिताब किया और वहाँ पे कहा है कि जी सलमान के जो वालिद साहब है उनकी जो मकबूलियत है पाकिस्तान में 80% हो गई है। तो आने वाले जो वक्त है, मैंने आपको पहले भी कह रहा था कि मज़ीद जो चीज़ें हैं वो खुल के सामने आएंगी। अब जो लगता है ये है कि पीटीआई के अंदर पार्टी बनाने की जो पोजीशन है वो चेंज हो चुकी है। एक तरफ जहांगीर तरीन साहब को कुछ पीटीआई के जो इलेक्टेबल जिन्हें कहा जाता है वो दिए जाएंगे, दूसरी तरफ शाह कुरैशी, फवाद चौधरी, जो फवाद चौधरी साहब फैसल वाडा, फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, ये अपनी कोशिश कर रहे हैं कि जहांगीर तरीन साहब को आगे लाया जाए, खान साहब को मनाया जाए, खान साहब को सदारत से हटाया जाए। खान साहब के लिए जो वक्त है वो बहुत मुश्किल है। तो खान साहब अभी तक टट के खड़े हैं, परवेज़ लाई साहब का भी मुस्तकबिल आने वाले 2-3-4 दिनों में वाजे हो जाएगा कि वो किस तरफ जाते हैं। क्या वो चौधरी साहब सामना कर पाते हैं या टटते हैं या सामना कर पाएंगे, लगता नहीं है। चौधरी साहब इतने मजबूत असाब के मालिक हैं, अगर वो मजबूत असाब के मालिक निकले तो वो बड़ी बात है, लेकिन शायद आने वाले दिनों में चौधरी साहब की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाए, वो पंजाब की सदारत से अलहदा हो जाएंगे, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सियासी पंडित जो हैं वो जो सियासी पंडित हैं जो सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं वो इस टाइम ये देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के लिए बहुत मुश्किल बढ़ रही हैं। तहरीक इंसाफ के जो साथी हैं वो छोड़ के जा रहे हैं। अगर हम दो एंकर्स की बात करें, काशिफ अब्बासी और अहमद मीर साहब की, तो उनका कहना ये है कि तहरीक इंसाफ के तमाम जो रहनुमा हैं वो इमरान खान साहब को छोड़ जाएंगे। अहमद मीर के बकौल तो ये कि खान साहब को बहुत सी चीज़ों की समझ नहीं आ रही, लेकिन जो चीज़ें हैं वो बड़ी फासे हैं, फासे खुल के सामने आ रही हैं कि किस तरह पार्टी को एक पार्टी के अंदर तोड़ फोड़ टूट फूट नहीं है, तोड़ फोड़ की जा रही है और पार्टी को बिल्कुल ही ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान साहब को तो लगा दिया गया है बल्कि और मजीद लगाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि खान साहब किसी भी फार्मूले पे अमल पैरा नहीं होना चाह रहे, ना तो वो पाकिस्तान से सियासत से अलहदा होना चाह रहे, ना वो पाया जाना चाह रहे। अब इतना मजीद मुश्किल किया जाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है वो पीपल्स पार्टी का हुआ है, पीपल्स पार्टी अपना फ़ायदा उठाने में कामयाब हो गई है। पीपल्स पार्टी ने जो पिछले 10 साल में मुश्किल वक्त देखा था, अब मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान में कहानी लिखते हैं या पाकिस्तान में हुकूमतें बनाते हैं उन्होंने फैसला कर लिया कि अगली जो हुकूमत है वो पीपल्स पार्टी को दी जाएगी, और ये फैसला हो चुका है कि बिलावल बिलावल भुट्टो ज़रदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सदर हैं वो आने वाले दिनों में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होंगे। ये कई फैसला हो चुका है, लेकिन ये फैसला होता है कामयाब होता है या नहीं होता है ये बहुत देर बाद की बात है, इलेक्शन होगा। लेकिन इस सिनेरियो में अगर मैं आपको पूरी सिनेरियो की बात करूं तो मुस्लिम लीग नून के साथ हाथ होने जा रहा है, मुस्लिम लीग नून के साथ झुकने वाला है वो आने वाला वक्त बताएगा। नवाज शरीफ साहब खुले राय लिखने वाले हैं और मुस्लिम लीग नून को अगर इतनी पार्टियाँ बनानी चाहेंगी तो मुस्लिम लीग नून पंजाब में अपना जो मार्ग है वो कभी सर करने में कामयाब नहीं हो पाएगी। पीपल्स पार्टी पंजाब में अपनी सीटें निकालने में कामयाब हो गई, लेकिन मुझे लगता है कि मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। अगर कहीं तरीके इंसाफ को इमरान खान साहब को मौका दिया गया इलेक्शन लड़ने का, चाहे नए लोगों के साथ, तो फिर भी तमाम पार्टियों के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएंगी। अब अगर हम बात करें दूसरी तरफ जो असाम डार के बड़े चर्चे हो रहे हैं, अगर हम न्यूज़ चैनल हमें तो कल मेरे दोस्त हैं जो मेरे सब्सक्राइबर, उन्होंने मुझे सवाल भी किया था मेरे कि क्या आप बताएं कि आप मीडिया देखते हैं। मुझे भी काफ़ी अर्सा हो गया कि मीडिया को नज़रअंदाज किए हुए, लेकिन खबरें
किसी हद तक हम सोशल मीडिया से खबरें लेते हैं या मोबाइल फोन से यूट्यूब से जहाँ खबरें मिलती हैं वहाँ से सुन लेते हैं, लेकिन मीडिया को हम अवॉइड करते आ रहे हैं। अब तो बिल्कुल ही जिस तरह हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं, मीडिया से आपको उस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। मीडिया या तरफा इन्फॉर्मेशन खबरें दे रहा है, तो इस तरह बड़ी दुनिया जो मीडिया को छोड़ चुकी है, न्यूज़ चैनल को छोड़ चुकी है, हम भी काफ़ी देर से अपने सोर्सेज से खबरें ले रहे हैं या उसका मतबादल जो सोशल मीडिया वहाँ से खबरों को कलेक्ट किया जा रहा है। तो बात अगर हम कर रहे थे साहकार की, जो हर देश आशियाने बचाए जा रहे हैं, खुशियाँ मनाई जा रही हैं कि पेट्रोल भी कम किया हमने, डॉलर जो इंटर मार्केट डॉलर में जो ओपन मार्केट में फ़र्क था बैंकों का, उसको हमने 27 रुपये कम किया है। लेकिन ये 27 रुपये नहीं था, ये तकरीबन 16 से 17 रुपये का जो फ़र्क था उसको कम किया गया है। बड़ी अच्छी हुई बात है, लेकिन ये अगर आप इस पूरे सिनेरियो में गेम को समझें तो ये फ़र्क किस तरह कम हुआ है। ये हुआ है कि जी बैंक पहले जो क्रेडिट कार्ड की अदायगियाँ थी वो अदा करने के लिए मार्केट से पैसा लेते थे। तो जो अभी कह रहे हैं जी साकार के लिए अशाने बजाए जा रहे हैं कि डॉलर में बड़ी कमी आई है और ये, लेकिन अगर इस पूरे सिनेरियो को आप समझने की कोशिश करें तो ये सिनेरियो ये हुआ है कि डॉलर जो इंटर बैंक और ओपन मार्केट का फ़र्क है वो किस तरह कम किया गया। जो पहले बैंक अदायगियाँ करता था, क्रेडिट कार्ड की जो अदायगी की जाती थी वो पैसे लिए जाते थे फायर से मार्केट से और फिर क्रेडिट कार्ड की अदायगी की जाती थी। बैंक ने हुकूमत को कहा कि क्यों ना हमारे पास जो रिजर्व है जो डॉलर्स पड़े हुए आप उससे क्रेडिट कार्ड की अदायगियाँ करें, तो हुकूमत ने उन्हें इजाज़त दे दी। जब क्रेडिट कार्ड की अदायगियाँ बैंक करने लग पड़ा तो ओपन मार्केट से डॉलर की जो कीमत है वो यकदम गिरना शुरू हुई। और अब आने वाले दिनों में ये जो मॉडल है ये ज़्यादा सस्टेनेबल मॉडल नहीं है, ये लॉन्ग टर्म मॉडल नहीं है, क्योंकि इससे जो हमारे रिजर्व है उस पर प्रेशर पड़ेगा, रिजर्व कम होना शुरू हो जाएंगे तो बैंक फिर जो इंटर बैंक में डॉलर की कीमत है वो बढ़ेगी। आने वाले दिनों में जो आपको इस पर मजीद चीज़ें वाजे होते हुए नज़र आना शुरू होगी, जो अभी इसकी इतनी खुशियाँ मना रहे हैं तो वो आने वाले वक्तों में वक्ती तौर पर आपको एक खुशियाँ दी जा रही हैं, वक्ती तौर पे आशियाने बजाए जा रहे हैं। महंगाई की शरह पाकिस्तान में 40% के करीब है, 38-39% करीब महंगाई की शरह है, और देखना यही है कि आने वाले दिनों में हुकूमत इसको किस तरह लेके चलती है। बजट पेश करने के लिए बहुत सी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो बजट के बाद एक तूफान बर्बा होगा महंगाई का, अभी पेट्रोल कम हुआ है और ये पेट्रोल की कीमत आने वाले दिनों में मजीद कम नहीं होगी, बल्कि इसकी पेट्रोल की कीमत नहीं और जाने वाली है। अभी फिलहाल के लिए वक्ती तौर पर लिए चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि हम कामयाब हैं, हम कामयाब हो चुके हैं, तो ये कामयाबी नहीं है। ये प्रेशर बाद में जिस तरह हुकूमत पर पड़ेगा, आने वाली शायद हुकूमत पर पड़े, निगरान हुकूमत पर पड़े, अगर ये हुकूमत कब ख़त्म होगी, अगस्त में ख़त्म होगी, तो मेरा ख्याल है अभी 2-3 माह के जो बजट के पीरियड है उसके बाद हुकूमत के लिए मज़ीद मुश्किल खड़ी होगी। अगर हम सिनेरियो सारी हमने आपके सामने बात की, मज़ीद पाकिस्तान में हालात को समझने की कोशिश है बाहर से, अगर हम आप सारी उम्मीदें बाहर लगा के बैठे किन कंट्रीज की तरफ देख रहे हैं, ये तो आने वाला वक्त वाजे तौर पर बताएगा। आईएमएफ से हमारा फायदा हो नहीं पा रहा, अब मज़ीद क्या होगा, सियासत में जिस तरह की यहाँ पाकिस्तान में चल रही है, हर रोज़ कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कोई दिन ऐसा नहीं है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो और कोई भी तरीके इंसाफ का रहनुमा तरीके इंसाफ से लैबी इख्तियार ना करे। तो देखते हैं आने वाले दिनों में जो चंद रहनुमा बड़े रह चुके हैं वो कब इस पार्टी को खैराबाद कहते हैं। आपको मैंने बताया है कि परवेज खटक साहब ने तो सदारत छोड़ा, आप चौधरी परवेज लाई हैं और पीछे कौन से लोग हैं, देखते हैं आने वाले दिनों में। मजीद ये हफ्ता मकम्मल तौर पे वाजे हो चुके जब हो चुके हैं, मंडे तक सूरत हाल मजीद वाजे हो चुकी होगी, फिर हम मजीद इसमें नैरो डाउन चीज़ें कर सकेंगे, फिर हम बता सकेंगे तरीके इंसाफ कहाँ खड़ी होगी। ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे अगले हफ्ते बजट देना है, तो इस हफ्ते बहुत सी चीज़ों को स्मूथ कर लिया जाएगा, जो चीज़ें वाजे करनी है। अगर खान साहब पे पाबंदी मकम्मल बैन जिस तरह लिया गया है इसको बरकरार रखा जाता है, खान साहब को साइड लाइन करने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर देखना होगा कि खान साहब वाकई साइड लाइन होते हैं कि नहीं हो पाते, तो ये आने वाला वक्त बताएगा। आज के लिए इतना ही, अपने दोस्त अब आपका बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह।